हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने फ़ोन में डिफ़ॉल्ट सिस्टम रिंगटोन को कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ है Realme का फ़ोन। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऐप के आइकन देख रहे होंगे। तो आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, उसके बाद आपको यहाँ बहुत सारे और ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ देख रहे हैं, तो आपको यहाँ क्लिक करना है सेटिंग के आइकन पे। क्लिक करेंगे सेटिंग के आइकन पे, उसके बाद आप यहाँ बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑप्शन दिखेंगे, जिनका अलग अलग तरीके का यूज़ है और अलग अलग तरीके में यूज़ किए जाते हैं। आपको अगर जो कि आप अपने फ़ोन में जो है रिंगटोन सेटिंग को देख मतलब डिफ़ॉल्ट सिस्टम रिंगटोन को लगाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले जाना है साउंड और वाइब्रेशन के ऑप्शन पे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ बहुत सारे और ऑप्शन देख सकते हैं। तो आपको ऊपर स्क्रॉल करना है, आपको जिस भी सिम पर डिफ़ॉल्ट सिस्टम रिंगटोन को लगाना है तो आप क्लिक करेंगे। मैं इस तरीके से क्लिक कर देती हूँ। उसके बाद आप यहाँ बहुत सारे ऑप्शन देखेंगे। अगर आप जो है डिफ़ॉल्ट सिस्टम रिंगटोन को अपने फ़ोन में जो है लगाना चाहते हैं, ये वो रिंगटोन होती है जो आप नया फ़ोन लेते हैं, जो रिंगटोन पहले से ही आपके फ़ोन में इनकमिंग कॉल पर सेट होती है, उस रिंगटोन को हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट सिस्टम रिंगटोन। अगर आपको वो रिंगटोन लगानी है तो आप यहाँ से ले लेंगे। जैसे कि यहाँ ये वाली रिंगटोन जो है डिफ़ॉल्ट सिस्टम रिंगटोन है इस फ़ोन में, इस पर क्लिक कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद इधर ब्लैक ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं इस तरीके से डिफ़ॉल्ट सिस्टम रिंगटोन सेट हो जाएगी। तो उम्मीद है फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।